गाइस मैं हूं आपके अपनी माही, आप देख रहे हैं फैमिली व्लॉग। तो गाइस उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो गाइस आज ना मैं आपको बताने लगी हूं घर में पेडीक्योर का तरीका। नॉर्मली जो एड़ियां वगैरह हमारी गंदी हो जाती हैं, तो मतलब कि नॉर्मली तौर पे तो हमें पार्लर वगैरह जाना पड़ता है, लेकिन नहीं, आज मैं वो आपको काम घर में करके दिखाऊंगी। तो चले गाइस हम उसकी तैयारी करते हैं। गाइस ये देखिए, इसमें हमने ना ये दो से तीन जो मग है ना, ये हमें पानी में डाल दिया। तो चले एक मिनट बस। तो गाइस ये हमने पानी लिया है, अब इसमें हम मतलब के कुछ बोल पाए दो तीन चीज़ें ऐड करेंगे। तो फिर इसमें हम थोड़ी देर के लिए पाँव को डिप करेंगे, उसके बाद हम पैरों को अच्छे से साफ करके धो लेंगे। तो देखिएगा आप पाँव कितने नीट हो जाएंगे। तो ये देखिए इसमें हम ना सिर्फ इतना सा शैम्पू डालेंगे बस। मैं पहले मान लूँ। देखिए इसमें हम ना इतना सा नमक डालेंगे, ये नमक पहला, और इसको अच्छे से बीच में फिल कर देंगे। हेलो यार, नहीं प्याज तो सीधा डबा। ना दो मिनट के लिए ना डिप करके रखेंगे। देखें जैसे कि अब दो मिनट हो गए, हम ना ये ब्रश लेंगे, इसके साथ ना नेल को अच्छे से नीट करेंगे। ऐसे चला यार, पहले नेल अच्छे से नीट करेंगे। तो ये इसके साथ ही हम छेड़ों पे भी मार लेंगे। ये देखिए, अब ये हम लेंगे, ये देखिए इसके साथ हम पाँव की अच्छे से एड़ियाँ नीट करेंगे। ये अच्छे से आपने ना फिर मसाज कर लेनी, क्योंकि इसके साथ ना शैम्पू नमक हो गया, आप चाहे तो लेमन भी डाल सकते हैं इसके साथ, जो होता है ना हाथ पाँव एक एड़ियाँ पाँव। देखिए हमारे कितने नीट हो गए और साफ हो गए। तो गाइज आज की हमारी वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।